छह सात डॉक्टर्स ने पीछू साहिबा थी उस पर हमने कहा था लॉकडाउन करो एयरपोर्ट्स बंद करो मुझे अच्छी तरह याद है। आज ही नहीं ये तो मुल्क हो गए इंग्लैंड में तो लॉकडाउन हुआ नहीं उस दिन इंग्लैंड का किया था आज इंग्लैंड का उल्टा जो मर्जी है ना जिस वक्त अपना स्टेटमेंट चेंज करते रहते कहते मैंने कभी मेरा बयानिया एक रहा है मुझे बड़ी हैरत होती है मेरे सामने ये सारी चीजें हुई हैं मेरे सामने ये सबको याद होगा ना कि ये सिर्फ फ्लू है थोड़ी सी खांसी होगी और आप ठीक हो जाएंगे और बूढ़ों को सिर्फ होती है जवानों को नहीं होगी। अरे मुर्तजा बलोच बड़ा उम्र का तो नहीं था उसके जाने का टाइम नहीं था ये लेकिन ये मैसेजेस थे जो जा रहे थे थोड़ी सी खांसी हो जाए तो टेस्ट कराने नहीं निकल जाना और अब कहते मेरा बयानिया एक था वो मैंने लॉकडाउन 13 मार्च को किया जब सिर्फ 26 केसेस थे मुल्क में तो जबकि 22 मार्च को जब हमने लॉकडाउन का ऐलान किया था उससे पहले हमने शुरू किया था थोड़ा थोड़ा लेकिन जो प्रॉपर और जो सिर्फ 3-4 दिन रहा इधर सही बात कही थी कि लॉकडाउन था कहां बिल्कुल नहीं था नहीं हो सका। अगर मुल्क का वजीर आजम बैठ के कहेगा कि लोग भूख मर जाएंगे लोग बाहर निकल आएंगे ये लोग बाहर निकले थे मैंने पूरे रिकॉर्ड चेक कराया है देयर वॉज वन इंसिडेंट इन हैदराबाद और ऐसे इंसिडेंट्स हमारे मुल्क में होते रहे फ्लड्स के अंदर भी ये ट्रक्स लुट जाया करते थे रास्ते में लोग छीन लिया करते थे गुर्बत है हमारे मुल्क में लेकिन गुर्बत कोरोना से पहले एक शख्स ने बताया ना तकरीबन 4,000 डेथ्स हुई हैं जो रिकॉर्डेड डेथ्स हैं कोविड की एक शख्स मुझे बता दे पिछले 4 महीने में ये 26 से इसकी डेथ हुई थी एक भी नहीं इस गुर्बत मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुर्बत नहीं है लेकिन ये गरीबों का बहाना बना के हमने कल कहा है कि 13 मार्च को मैंने लॉकडाउन लगा दिया था फिर कुछ दिनों पहले कहा था अशराफिया ने लॉकडाउन लगा दिया और अभी भी